तो दोस्तों आज की वीडियो में रिपेयर करने वाले इस एलईडी टीवी को एंड इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है पहले आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें है पावर सप्लाई का फॉल्ट, इसमें जो इसका इंडिकेटर यहाँ से बंद हो चुका है। मैं पावर सप्लाई इसलिए बोल रहा हूँ अभी बिकॉज जो कस्टमर ने मेरे को बताया है कि जो बिजली कड़की थी तो उनका जो वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उस कारण से पट से आवाज़ आई और टीवी यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारी पावर सप्लाई है उसकी प्रॉब्लम होती है, बट कई कंडीशन में ऐसी होती है कि जो इसका आउटपुट रहता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आया है, पावर सप्लाई का फॉल्ट है, मदरबोर्ड का फॉल्ट है, या जो भी उसमें फॉल्ट होंगे आपको बताता हूँ उसको कैसे रिपेयर करना है, पूरा बताने वाला स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम से आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये इसकी पावर सप्लाई आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड अगर आपको ध्यान से आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस है R270 वाला है, थोड़ा सा आपको जला हुआ दिख रहा है, आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा। तो चलिए गए सबसे पहले चेक करते हैं जो हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ पर ओके है या नहीं है, या हमें जो IC रहती है यहाँ पर SMPS की वो यहाँ पर ओके है कि नहीं है। मल्टीमीटर का यूज़ करने वाले, इसको मैंने कंटिन्यूटी पर सेट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कंडेंसर चेक करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है जो कि 450 वोल्ट का, वो यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपना ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर को सबसे पहले निकाल दूँगा यहाँ से, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर निकाल चुका हूँ, आप देख सकते हो, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एंड अब मैं वापस चेक करता हूँ मेरी शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी शॉर्टिंग हट चुकी है। बट दोस्तों जब आपके यहाँ पर ट्रांजिस्टर ख़राब होता है या ज़्यादा वोल्टेज का मुझे पावर सप्लाई यहाँ पर ख़राब होती है, तो यहाँ पर आपको एक IC होती है जो कि हर मदरबोर्ड में होती है, चाहे आपके पास 24 इंची हो, 32 इंची, 42 इंची, सब में ऐसे एक SMPS IC लगी होती है 6 पिन की, तो ये भी साथ में ख़राब होती है। तो ये आपको कैसे मालूम चलेगा, या तो ये खुद शॉर्ट होंगी, अगर शॉर्ट नहीं भी होंगी तो बाद में ये वोल्टेज को ब्लिंक करते हैं ना, स्टेबल यहाँ पर वोल्टेज नहीं रहता, यानी अगर आपके यहाँ पर जो भी वोल्ट बनता होगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो हल्का सा ब्लिंक करते रहेंगे, आगे पीछे फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहले ऐसे को भी यहाँ से निकाल देता हूँ, बट दोस्तों उससे पहले हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा जो हमारा आउटपुट सेक्शन है आला, जो कि पावर सप्लाई के बाद का जो आउटपुट सेक्शन है जो कि हमारा मदरबोर्ड है, तो ये मदरबोर्ड यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है। अगर यहाँ पर ये मदरबोर्ड शॉर्ट होगा तो जनरली क्या होता है, जो हमारी मेन IC रहती है ये शॉर्ट होती है, तो उस कंडीशन में आपको पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ सकता है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर जो आउटपुट सेक्शन है मेरा यहाँ पर ओके है कि नहीं, यानी कोई यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है, सिंपल आपको एक अर्थिंग पर रखना है इसके बॉडी पर, एंड बॉडी पे रख सकते हो या जो उसका USB का अर्थिंग है यहाँ पर भी आप उसको रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर दोनों सेम है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा यहाँ पर ये आला जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड का ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है, ये हमारा 12 वोल्ट वाला ये भी यहाँ पर शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अगर हमको चेक करना है यहाँ पर जो हमारी कॉइल रहती है 5 वोल्ट की, 1.2 वोल्ट की, यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है, तो पहले 5 वोल्ट की कॉइल को चेक करूँगा, यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, यानी कैसे यहाँ पर कोई भी हमको शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही, ना आपको रीडिंग शो कर रही, इसका मतलब जो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर ओके है। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे 1.2 वोल्ट की, तो ये भी यहाँ पर ओके है, ये भी शॉर्ट नहीं है। देन इसके बाद जो हमारे यहाँ पर 3118 रहती है, जैसे 3.3 और 1.8 निकलता है, वो भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब वो जो हमारा आउटपुट सेक्शन है यहाँ पर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। तो आप लोग पहले इस तरह चेक कर लेना कि अगर कभी यहाँ पर शॉर्टिंग होती है ना, में कोई भी कॉल यहाँ पर शॉर्ट होती है, तो हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटर IC है या आप देखते 5 पॉइंट की या यहाँ पर 6 पॉइंट की आपको देखने को मिल जाती है, अगर ये शॉर्ट होती तो उसको आप निकाल कर देख लेना। अगर इसके निकालने के बावजूद भी अगर यहाँ पर आपकी कॉल शॉर्ट दिखाती है,
तो इसका मतलब दोस्तों जो आपका मेन आईसी है वो यहाँ पर शॉर्ट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ मदरबोर्ड में जो हमारा आउटपुट सेक्शन है बिल्कुल भी ओके है, तो हम यहाँ पर सिर्फ पावर सप्लाई को यहाँ पर रिपेयर करने वाले हैं। तो उसका हम क्या करेंगे, पहले ऐसे यहाँ पर निकालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आईसी को निकाल दिया, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर हमको साफ करना पड़ेगा आके पिन को, ताकि वो एक में से टच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद हमको करना है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो हमने इसको भी यहाँ से निकाल दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर को हटा चुका है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हटा दिया, और यहाँ पर आईसी रहती है एसएमपीएससी, उसको हमने हटा दिए, ताकि जो हमारी शॉर्टिंग यहाँ पर ख़त्म हो सके। तो यहाँ पर हमारी शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाला आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप मॉडुलर को यूज़ करने वाले, जो कि 5 तार का इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 टाइप के मॉड्यूलर देखने को मिल जाएंगे, जिसके लास्ट वाले वायर पे एक ब्लू कलर का वायर होता है, या कोई कोई में ऐसा ग्रीन कलर का वायर आपको देखने को मिल जाता है। बट गाइस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो वायर है उसका जो पिन आउट है वो सेम ही है ना। आप उसको जहाँ पर लगाते हो, जो भी आप ग्रीन वायर लगाओगे वहीं पर आपको ब्लू वायर लगा सकते हो उसके बदले। तो उसको कैसे वायरिंग करना के ऊपर बताने वाला हूँ, कैसे इंस्टॉल करना है सब बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ, जो उसका पीला वाला वायर वो होता है कलेक्टर का। अब दोस्तों कलेक्टर क्या होता है आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है उसका जो मिडिल वाला रहता है, जो कि इससे कलेक्टर कराता है, जो हमें ट्रांसफार्मर से होते हुए आता है, यानी जो हमें कंडेंसर जो प्लस वाला है वो ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट में जाता है, और दूसरे पॉइंट जो निकलता है वो हमारे कलेक्टर कहलाता है। तो ये कलेक्टर हमारे येल्लो वायर जाता है। तो मैं उसको यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। ठीक है। एंड देन दोस्तों जो ब्लैक वाला है हमारा अर्थिंग रहता है ग्राउंड, तो हम इसको कैपेसिटर के माइनस वाले पे, आप देखते हैं जगह से माइनस वाला है इसका, तो इसके माइनस वाले पे मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ इस जगह पे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रेड कलर का वायर रहता है। अब दोस्तों कई लोग को क्या कन्फ्यूजन होती है कि रेड वाला वायर हम कौन सी जगह पर लगाए, कौन से डायोड पर लगाना पड़ता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है उसका जो हमारा कैपेसिटर का प्लस वाला है, ये प्लस वाला जो रहता है उसको छोड़ के, जो आपका ग्राउंड रहता है, ग्राउंड से गाइज एक डायोड के थ्रू जंप होता है। मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर के थ्रू। ये जो हमारा ग्राउंड है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, तो हमारा ग्राउंड का जो यहाँ पर ये ग्राउंड वाला एक डायोड के थ्रू जंप होता है यहाँ पर। तो ये वाला जो है, ये हमारा जो 1063 का कैपेसिटर रहता है यहाँ पर, इसके थ्रू यहाँ पर जंप होता है। तो दोस्तों ये जो है हमारा अर्थिंग से जाता है, यहाँ तो आप देख सकते हो यहाँ से, ये यहाँ से हमारा एक जंप होता है यहाँ पर डायोड में। तो डायोड का जो प्लस वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा में आपको रेड वाले वायर को सोल्डर करना रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। इस तरीके से। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 वायर देखने को मिल जाते हैं, ग्रीन कलर का और एक वाइट कलर का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ग्रीन और ब्लू ये 2 टाइप के मॉड्यूलर आते हैं इसमें 5 तार वाले में। तो जो ग्रीन और ब्लू कोई भी कलर का होंगे इस, वो आपके कैपेसिटर के प्लस वाले पर लगेंगे, यानी यहाँ पर सोल्डर होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। एंड देन जो हमारा लास्ट वाला बचा है, जो कि वाइट कलर का है, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो ऑक्टोकपलर रहता है इसके 4th वाले पिन में सोल्डर होता है। आपको 4th पिन कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा नंबर का पिन 4th वाला है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखूँगे, मैं जूम कर देता थोड़ा सा, कि यहाँ पर आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, ये डॉट, ठीक है। तो ये इसका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, एंड देन ये 4 नंबर हो गया। तो इसका 4th पिन है, इसका पिन हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका 3rd नंबर पिन है वो हमको ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड के बाजू वाला पिन को ही आपको वाइट वाले के साथ सोल्डर करना है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको मीटर लाता हूँ।
एंड इसके मैं ग्राउंड पर रखता हूँ एंड इसके तीसरे पॉइंट पर रखता हूँ। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से इसके ग्राउंड पर रखता हूँ ब्लैक वाले पे, इसका ब्लैक वाला। तो दोस्तों ये तीसरे वाला सा ग्राउंड है, इसका मतलब जो चौथा वाला है ग्राउंड के बाजू वाला, तो चौथा वाले को आपको वाइट वाले के साथ सोल्डर करना है। बट सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आले पिन को आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने इसको यहाँ से ओपन कर दिया हूँ, यानी गाइस मैंने इसको जो पिन है उसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर दिया हूँ। देन अब मैं यहाँ पर इसको सोल्डर करूँगा अपने वाइट वाले वायर को। इस तरीके से तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने वाइट वाले वायर को सोल्डर कर दिया हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों को ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे कपड़ा का वायर नीचे प्रिंट में टच नहीं होना चाहिए, यानी जो पिन है उसको मैंने ऊपर करके सोल्डर कर दिया हूँ। देन अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से लगा देता हूँ इसकी पोजीशन में इस तरीके से। देन दोस्तों अब करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पावर सप्लाई है चालू होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ चालू और देखते हैं, यहाँ पर लगा रेड वाला इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने इसको बंद कर दिया, ये बंद हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा हूँगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका जो वोल्टेज यहाँ पर स्टेबल आ रहा है क्या, ब्लिंक तो नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब कोई सप्लाई है इसमें आपको हीट सिंक लगाना पड़ेगा और कहीं भी बॉडी में टच नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा अलग रखता हूँ इस तरीके से, यानी यहाँ पर मैं आपको पहले वोल्टेज दिखाता हूँ। तो मैं एक को ग्राउंड पे सेट कर देता हूँ इस तरीके से, देन मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। एक यहाँ रख दिया मैंने इसको, मैं चालू करता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पर 12.83 यहाँ पर वोल्टेज बन चुके हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पर इन्वर्टर वाले पे 19.68, यानी 24 वोल्ट यहाँ बनना चाहिए। तो यहाँ पर 20.4 बन रहा है गाइस, ओके। यहाँ पर 20 से 24 भी बन रहा है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट बन रहा है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ भाई कॉइल में 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट बन रहा है। देन यहाँ पर भी हमारा 1.2 समथिंग बन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा कम है बट यहाँ पर बन रहा है, एंड यहाँ पर बूस्ट होकर यहाँ पर निकलेगा 1.2, ठीक है ना दोस्तों। यानी कैसे यहाँ पर कम भी रहेगा तो मेरी बूस्ट कॉल यहाँ लगी हुई है, तो ये बूस्ट कॉल क्या करती है, जो हमारे वोल्टेज को बढ़ा के यहाँ पर दे देंगे 1.2, यानी 1.3 1.8 बस, ओके यहाँ पर वोल्टेज। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर चेक करेंगे एक बार कि हमारे पैनल स्टैंड बाय के बाद यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारे पैनल में यहाँ पर वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा स्टैंड बाय के बाद। तो अब यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा, देख सकते हैं यहाँ पर पैनल के रेड वाले वायर पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट आना चाहिए जब स्टैंड बाय के बाद। अब यहाँ पर 3.3 आ रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर 3.3 आ रहा है 111 8 के पिन में। एंड यहाँ पर जो इसका फोर्थ वाला है, यानी 1 2 3 4 5 हाँ, जिसका 8 नंबर की पिन है, यहाँ पर अभी 1.8 आना चाहिए जब स्टैंड बाय के बाद। तो मैं स्टैंड बाय करता हूँ यहाँ से। तो आप देखते हैं यहाँ पर 1.9 वोल्ट आ चुका है गाइस, 1.8 वोल्ट यहाँ पर आ चुका है और हमारा यहाँ पर बैकलाइट चालू हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर,
आपको दिख रहा है हमें बैकलाइट चालू हो चुका है। तो यहाँ हमारी एलईडी यहाँ पर चालू हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नो सिग्नल यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा फिट करने के बाद एक बार कि पूरा ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताया गैस, ये गैस ऐसी ट्रिक है जिससे आप कोई भी तरह की जो पावर सप्लाई रहती है एलईडी की नहीं गैस, यानी इसका मतलब आप कोई भी तरह टाइप की जो पावर सप्लाई रहती है, चाहे वो आपकी SMPS पावर सप्लाई हो या आपकी एलईडी की हो या फिर कोई भी कोई अदर चीज़ में यूज़ होती है वाली SMPS पावर सप्लाई, तो आप उसको ईजिली यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो इस मॉड्यूलर के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर इसका इंडिकेटर चालू हो चुका है यहाँ पर, एंड अब मैं इसको स्टैंड बाय करता हूँ। तो मैंने इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ कर देता हूँ, तो स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुकी है। देन यहाँ पर हमारा स्पीड कौन लिखा आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी टीवी यहाँ पर चालू हो चुकी है। आप देख सकते हो तो गाइस यहाँ पर हमें पावर सप्लाई यहाँ पर रिपेयर हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी एलईडी टीवी को यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो जिसकी पावर सप्लाई यहाँ पर ख़राब होंगी। तो गाइस आपको सिर्फ 5 तरह का मॉड्यूलर चाहिए यहाँ पर, उस मॉड्यूलर से आप इजीली कोई भी SMPS पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो।